दोस्तों ये है हमारे गांव का छोटी नहरी, इसमें देख सकते हैं जाल लगाया गया है, मच्छी ये को भी नहीं फंसी है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना माता पिता का ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों अभी दोपहर के बज गया है, 2:30 बज रहा है और दोस्तों मैं अभी नहा धोवा के रेडी हूँ, भोजन वोजन सब कर लिए हैं। और दोस्तों मैं थोड़ा सा रील्स वीडियो शूट कर रहा था, देख सकते हैं मेरा ये ट्राइपॉड है। और दोस्तों मैं अभी चल रहा हूँ घूमने के लिए, कहीं जा रहे हैं घूमने और मज़ा आएगा इस ब्लॉग में। प्लीज़ आप सब बने रहिएगा, प्लीज़ दोस्तों आप सब सपोर्ट कीजिए मुझे, प्लीज़ आप सबको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए कहीं घूमने चलते हैं, इंजॉय करेंगे। हेलो गाइज, मैं अभी आ चुका हूँ अपने गाँव के सरे में, जो काफ़ी ज़्यादा इधर पानी आया है, देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा नहर में बहुत ज़्यादा पानी आया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि हमारे दोस्त का भाई है जो फोटो शूट कर रहा है। और यहाँ पे क्वालिटी है ना कैमरा का, कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। पीछे के व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप जो गाछ है दोनों साइड। और रोपनी हो रहा है, आज खेत रोपा जा रहा है, कल ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ जाता है तो वो क्या बोलते हैं बिया दह जाता है। और कुछ इधर गांव का लड़का है जो बकरी उकरी ले आए हैं घुमाने के लिए। तो दोस्तों ऐसा ही आप वीडियो में बने रहिए, आगे चलते हैं, आपसे मिलते हैं और बहुत ज़्यादा ढेर सारा बातें होगी, मज़ा आएगा इस ब्लॉग में, बने रहिएगा प्लीज़। दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ अपने गांव का छोटी जो नहरी होती है उसके पास, और देख सकते हैं पानी कितना तेज़ में बह रहा है और सारा पानी पूरा सरे में जाता है। दोस्तों चलते हैं कहीं और आपको भी दिखाते हैं अच्छा सा, और मज़ा आएगा आपको वीडियो में। देख सकते हैं टेस्ट फार्मा जो चोरी हो गया है, लाइट नहीं जलता है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों कहीं और पे, ब्लॉक में बने रहिएगा प्लीज। तो हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो धान की खेती हो रहा है, और उधर साइड में देख सकते हैं वो बगल के गांव है जो काफ़ी दूर है और बहुत खूबसूरत गांव है, वो भी हमारे गांव से कुछ हटके है। और दोस्तों चलते हैं बड़ी नहर पे जो इधर है सामने है, अभी थोड़ा सा दूर है, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा पानी उसमें है, कितना ज़्यादा तेज़ बहाव है, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पर है ना क्या बोलते हैं, उधर हमारे गाँव का आगे साइड में ना नहर भी टूट गया था। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ पर जी कितना ज़्यादा पानी आया है, बहुत ज़्यादा पानी आया है यार, इतना ज़्यादा कि हद से ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं, बने रहिएगा प्लीज़ वीडियो में। और ये हमारे दोस्त के भाई हैं जो हम लोग घूमने आए हैं, अभी सरे घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बस मस्ती कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब बने रहिएगा ब्लॉग में, चलिए चलते हैं वहाँ पे आपको दिखाते हैं कुछ। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हमारे पीछे जो है बड़ी नहर है जिसमें पानी कितना फुल चल रहा है, अभी आज बहुत कम हो गया है, कल बहुत ज़्यादा फुल चल रहा था और हमारे उधर उधर नहर टूट भी गया है, इसके कारण से यहाँ पर पानी कम हो गया है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन कितना अच्छा दिख रहा है, और बैक साइड जो है देख सकते हैं यहाँ पे पानी ही पानी है, क्योंकि सारा जो रोपनी हुआ था वो दह गया था, इतना ज़्यादा पानी हो गया था यहाँ पे। तो इसके कारण दोस्तों अभी यहाँ पे रोपनी नहीं हो रहा है क्योंकि ज़्यादा पानी हो गया है, पानी कम होगा तो फिर खेत रोपाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं आज यहीं पर वीडियो को एंड करता हूँ। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ हमारे पीछे जो है वह है बहुत दूर केवारा है, वहाँ पे लड़के आते हैं दौड़ने के लिए, जो आर्मी में जो पुलिस में जो भी नौकरी मिलते हैं उनके लिए वहाँ पे उन लोग दौड़ लगाते हैं, मेहनत करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।